अस्सलामुअलैकुम, मैं आज आपको हरवंता के अंदर हूँ। ये मैं अस्सलामुअलैकुम, ये वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा हरवंता और उसके सराउंडिंग्स में। यहाँ से मैं हलीला जा रहा हूँ, जहाँ पे नियरेस्ट प्रिज्मा है, जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है ग्रॉसरी का। तो इसका विज़िट आप मैं कराता हूँ, आज आपको दिखाता हूँ, ड्राइव करके दिखाऊँगा। तो ये राइट नाउ अभी मैं हरवंता के अंदर हूँ, ठीक। और यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँगा मैं तो सेंटर की तरफ जाऊँगा, राइट अगर मैं चला जाऊँ तो ऑलमोस्ट 500 या 600 मीटर के बाद यूनिवर्सिटी जो है उसका ऑफिस, जो हरवंता कैंपस है, वो आ जाएगा टामपुर यूनिवर्सिटी का, ठीक। तो वो मैं फिर आपको किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा यूनिवर्सिटी और उसके सराउंडिंग्स का, वो जो जगह है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये हरवंता है सारा, राइट लेफ्ट पे यहाँ पे सारी स्टूडेंट हाउसिंग है प्रीटी मच। इनमें से एक बिल्डिंग भी स्टूडेंट्स के लिए है, पॉज और कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से। वैसे तो सर्दी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी कुछ आज जो है वो अच्छा वेदर है, सनी डे है। टेम्परेचर इस टाइम जो है वो यहाँ पे 60 डिग्री है। तो अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है और अब यह कि मौसम साफ हो गया। और सेंटर यहाँ से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है यहाँ से सेंटर। और तो पीछे जो सबर्ब था वो हरवंता है, जहाँ सब जो सबसे ज़्यादा बाय द वे मल्टी कल्चरल सबर्ब है टामपुर का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लोग रहते हैं। और जब आप हरवंता क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो अगला सबर्ब है वो है हलीला, वो आपको सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो हलीला सबर्ब है। और यहाँ पे भी हाउसिंग है कुछ, और ये ज़्यादातर यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है फैमिलीज़ के लिए और घर हैं लोगों के, बट कुछ हाउसिंग स्टूडेंट हाउसिंग भी है यहाँ पे। तो लेकिन अच्छा ये है कि जो ट्रेम है वो इस सबर्ब के सामने भी उसके दो स्टॉप हैं, तो बड़ा इजीली कनेक्शन आपको मिल जाता है जब आप आते हैं ना सेंटर से, तो आराम से उनसे सामने बिल्कुल मिडल में आप कह सकते हैं कि आपको मिल जाता है। और स्टॉप्स वगैरह बिल्कुल इस सेंटर के मिडल में, और बड़ा अच्छा कनेक्शन है यहाँ पे ट्रेन को लेके। तो बिल्कुल हरवंता से भी आगे एक सबर्ब उसमें वो जाती है। तो हरवंता जो है वो काफ़ी टॉप पे करके है, और बाकी जो अब जो जो सेंटर की तरफ जाएंगे तो आपके लगेगा था कि आप स्लो डाउन डाउन मिल जा रहे हैं। तो हरवंता काफ़ी हाइट पे है। सो तो अब मेरे जो राइट पे जो सबर्ब है वो है तुरतौला, और यहाँ पे सिटी मार्केट भी है और यहाँ पे और भी काफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको सिटी मार्केट भी 24 आवर्स मार्केट है, ये भी इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट प्रिज्मा के। तो राइट साइड पे जो सबर्ब है वो तुरतौला है, और लेफ्ट पे भी तुरतौला है। यहाँ पे भी ट्रेम आती है इधर से, इसी सबर्ब से निकल के जाती है। दिन के ऑलमोस्ट 3 हुए हैं, तो इतनी रश भी नहीं है, अभी ऑफिस आवर्स खत्म नहीं हुए, तो ज़्यादा रश वगैरह भी नहीं है, कम है लोग।
ये सीधा अगर आप जाएंगे तो आपने सेंटर की तरफ जाना है, वो सामने आफ्टर 200 मीटर्स जो है वो मैकडॉनल्ड्स भी है, और ये भी चूँकि मैंने प्रिज्मा जाना था तो अब मैं यहाँ से टर्न हो गया हूँ, लेफ्ट टर्न लिया है मैंने अभी। तो हरवंता से अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आई थिंक 7-8 मिनट लगते हैं आपको आते हुए, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, बट अगर आप ट्रेन में भी आते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। तो ये सामने आपको प्रिज्मा नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर की गांधी भी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा स्टोर है फिनलैंड के अंदर, और साथ इधर अंदर और भी एक्सएसएल जो है वो स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स का जो सामान है वो बेचता है वो, और स्टे पावर भी है, और साथ उसके मतलब कंप्लीट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ये जगह है। हैसबर्गर भी इधर अंदर है, साथ कुछ और ब्रांड्स भी हैं, तो आप यहाँ पे मतलब अच्छा पॉइंट आके यहाँ पे सब कुछ ले सकते हैं, हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। बाकी मैं किसी दिन इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा प्रिज्मा के अंदर की, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्टोर्स के अंदर रेट्स क्या हैं, सब चीज़ें किस तरह हैं। पार्किंग यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, 2 घंटे के लिए आपको मिल जाती है यहाँ पे आए और आके। तो अभी 3 घंटे के लिए ये पार्किंग जो है वो अवेलेबल है, वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप 3 घंटे तक अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो टाइमर होता है, ये टाइमर है, ये आपको लगाना पड़ता है। जैसे अभी टाइम जो है वो हुआ है 3 बजे, तो ये 3 बजे का मैंने टाइमर लगा दिया है, विच मीन्स के मैं 6 से पहले मुझे यहाँ से गाड़ी अपनी हटानी है, अदरवाइज़ मुझे चलान हो सकता है अगर ज़्यादा देर खड़ी की मैंने। तो चलें ये फिर आज की वीडियो था, बाकी मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा प्रिज्मा की भी और हरवंता जो यूनिवर्सिटी मैंने आपको दिखाएगी उसकी भी। अभी सिर्फ मैंने आपको दिखाना था कि प्रिज्मा कितना दूर है यहाँ से। तो थैंक यू।